एक ग्रिड डिजाइन। अभी हम चलते हैं 9th वाले ग्रिड डिजाइन। अभी जो हमारी ये कंफ्यूजिंग वाली ग्रिड है ना, इसे बनाते समय जरूर दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये ग्रिड बनानी पड़ती है, क्योंकि ना इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम बारीक बारीक चेक्स बना लेंगे उसके बाद ये लाइंस आपको परफेक्टली ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है, ये जो लाइंस है ना ये परफेक्टली ड्रॉ करनी है। ये लाइंस परफेक्टली ड्रॉ हो जाए उसके बाद हर एक ट्रायंगल फिल करना है, एक छोट मतलब हर एक ट्रायंगल फिल नहीं करना है, एक ट्रायंगल फिल करके दूसरा ट्रायंगल छोड़ना है, उसके बाद का फिल करना है, एक छोड़ना है उसके बाद का फिल करना है। ये डिजाइन फिल करते करते दिमाग खराब हो जाता है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ग्रेड कंप्लीट हुआ या कुछ गलतियां हो गई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ग्रेड की तरफ। मैंने ट्राई किया है कि मैं अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड के डिजाइन आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं एक बानी स्टाइल का ग्रेड डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें डबल लाइन की ट्रैफिस डबल लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूं, और एक बॉक्स में सिंगल फ्लावर छोटा सा बना रही हूं। हर एक बॉक्स में हमको फ्लावर बनानी है, और जो कॉर्नर के बॉक्सेस है उसको छोड़ना नहीं है, उसमें हाफ फ्लावर बैठेगा तो आपको उसको बैठाना है, हाफ फ्लावर खुला नहीं छोड़ना है। तो उसके बाद जो डबल लाइंस है उसके अंदर हमको छोटे छोटे लाइंस बना के बॉक्सेस बनाने हैं, जो बांधने वाला पैटर्न होता है, राइट। तो अभी जो फ्लावर है ना उसको आजू बाजू से फिल करना है उसको, और उसके बाद उसको फ्लावर को इस तरीके से फिल करो कि वो फ्लावर अच्छे से दिखना चाहिए। इस तरीके से फिल मत करो कि वो फ्लावर ही गायब हो जाए फिल करते टाइम, ठीक है। मेरा फ्लावर तो अच्छे से दिख रहा है अभी, आप अपना देखो प्रैक्टिस करते टाइम दिख रहा है कि गायब हो गया। उसके बाद हमको ये छोटे छोटे जो हमने बॉक्सेस बनाए थे उसके अंदर हमको छोटे छोटे बारीक बारीक डॉट्स निकालने हैं, उससे वो कंप्लीट बांधने वाला पैटर्न हो जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट ग्रेड डिजाइन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट ग्रेड डिजाइन भी बहुत सुंदर है, वहाँ पे मैंने लीव्स का पैटर्न लिया है उससे, वो बैक हैंड पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये वाला पैटर्न। इस तरीके से आपको क्रॉस बॉक्सेस बनाने हैं और वो लाइन पे पूरा लीव्स बनाते जाना है। अभी इसमें फिर से बीच का जो बॉक्स है वो खुला रहेगा, तो खुला नहीं रखना है, वहाँ पे हम एक थोड़े बड़े साइज का डॉट बनाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट में जो मैं ग्रिड डिजाइन बनाने वाली हूँ वो है स्वस्तिक वाली, उसके लिए हमको डबल लाइन वाले बॉक्सेस की जरूरत होगी। डबल लाइन वाले बॉक्सेस बना के हम फिल करेंगे उसको लास्ट में, डायरेक्टली थिक लाइन्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। पहले डबल लाइन्स ही बनाने हैं, उसके बाद उसके अंदर स्वस्तिक वाला शेप बनाना है। इस तरीके से चार लाइन्स बनानी है जिससे कि स्वस्तिक वाला शेप बन जाए। तो सारे बॉक्सेस में स्वस्तिक वाला शेप बना के उसके बाद लास्ट में हमको वो डबल लाइन फिल कर देनी है अच्छे से, तो उसके उससे वो थिक लाइन हो जाएगी। तो आज हमने 12 टाइप के अलग अलग ग्रिड डिजाइन देखे हैं, जो कि आप कोई भी शेप में या भी कोई भी बेल्ट में या फिर बैक हैंड में यूज कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर